उम्मीद है बेटा आप सब खैर वाफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 लेंसेज, आज बेटा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। आज के बेटा लेक्चर की आउटलाइन में आपके पास रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस के हम देखेंगे। कन्वेक्स लेंस की मदद से जो इमेज बनती है उनकी रे डायग्राम्स हम सीखेंगे। इसके सब हेडिंग में हम जो पहली डायग्राम सीखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, मीन्स दैट ऐसी जगह पे है, अनडिफाइंड जगह पे। इन्फिनिटी आप कहते हैं अनडिफाइंड, ऐसी जगह जिसका हमें नहीं पता जहां पे ऑब्जेक्ट है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, बट नॉट एट इन्फिनिटी, बेटा आपके पास मीन्स दैट फोकस पॉइंट पे नहीं है ऑब्जेक्ट, उसके डबल पे है। यानी फोकस का अगर एफ को हम डबल कर देते हैं, एक और एफ ऐड कर देते हैं उसके अंदर, जो जहां पे वो पॉइंट बनता है उसको आप 2f कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट वहां पे है। एंड थर्ड वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, और जब ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर है। रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंसेज when object is at infinity, कहते हैं when the object is at infinity the image is formed on the other side of the lens at f, the image is real inverted and very small in size। बेटा कहता है आपके पास ये इसकी बेटा डायग्राम है, देखें जब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, मीन्स दैट ये देखे बेटा ये दो फर्स्ट रे है और ये सेकेंड रे है। अब ये नहीं हमें पता कि ये कहाँ से आ रही है, कौन सा इसका पॉइंट ऑफ सोर्स है, कहाँ पे आपके पास वो इमेज पड़ी हुई है, वो बॉडी पड़ी हुई है जहां से बेटा इसका इमेज बन रहा है। जब आपके पास जो ये रेज है वो गुजर जो इन्फिनिटी पे आती है, तो क्या होता है लेंस में से गुजरने के बाद पहली जो रे है वो बेटा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है, और दूसरी लेंस जो है वो फोकस में से गुजर रही है। ये दोनों रेज बेटा आपके पास जो है कंबाइन होती है, और कंबाइन होकर एक पॉइंट पे इकट्ठी होती है जिसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट। और बेटा इसकी इसमें जो इमेज बनता है वो आपके पास F पे बनता है, यानी फोकस प्रिंसिपल फोकस पे बनता है। और ये जो इमेज होता है ये इन्वर्टेड मींस दैट उल्टा होता है, और इसका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, मींस दैट जब बियॉन्ड 2F के 2F पे नहीं है। When the object is placed beyond 2f, यानी 2f से बाहर रखा हुआ है, the image is formed on the other side of the lens between f and 2f. The image is real, inverted and smaller in size. बेटा ये इसकी डायग्राम है, देखिए बेटा आपके पास ये पॉइंट f है और ये उसका डबल है 2f, means that f के अंदर अगर हम उतना ही डिस्टेंस फिर लें तो वो बनता है 2f, और बियॉन्ड 2f ये हमने जो पिंक कलर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मीन्स दैट हमने 2f से भी ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या रखा हुआ है, आगे रखा हुआ है। अब होता क्या है, जब इस पे से बेटा ये जो रेज है वो लेंस में से पास करते हैं, तो क्या होता है ये आपके पास दोनों रेज एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं, और आपके पास जो इमेज बनती है वो एफ और 2F के दरमियान में बनती है। दूसरी साइड पे मीन दैट राइट साइड पे जो इमेज बन रही है, ये जो ब्लू में बन रही है, ये आपके पास बन रही है एफ और 2F के दरमियान में, यानी फोकस और जो फोकस का डबल वाला पॉइंट है उसके दरमियान में ये करके इमेज बन रही है। और ये इमेज भी रियल है, मीन्स दैट ये स्क्रीन पे हासिल की जा सकती है, नजर आएगी, और इन्वर्टेड उल्टी है, और साइज में बहुत ज्यादा स्मॉलर है। आप देख सकते हैं जो पिंक वाला ऑब्जेक्ट वो बहुत बड़ा है, और जो इमेज है ब्लू में वो बहुत छोटी है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, मींस दैट जो ऑब्जेक्ट है वो 2f पे पड़ा हुआ है। When the object is placed at 2f, the image is also formed at 2f on the other side of the lens. The image is real, inverted and of the same size as the object. अब बेटा कहता है ये देखें आपके पास जब जो आप इमेज है जो ऑब्जेक्ट है वो 2f, मीन दैट वही फोकस के डबल पॉइंट पे पड़ी हुई है, जब आपके पास इसकी जो इमेज बनेगी वो भी आपके पास दूसरी साइड पे कहां पे बनेगी, फोकस के डबल वाले पॉइंट 2f पे ही बनेगी, और ये जो इमेज है ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, मगर आपके पास इसका जो साइज है वो क्या होगा, वो सेम ही होगा। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही आपके पास क्या होगा, आपके इस इमेज का साइज होगा। और जो हमने रखी हुई है 2f पे रखी हुई है, तो ये भी बेटा आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो 2f पे है, तो जो इमेज है वो भी आपके पास कहाँ पे बन रही है, 2f के ऊपर ही बन रही है। यही बेटा आज का आपका लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।